नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, आरएएस 2018 वाला जो पेपर हुआ था 5 अगस्त 2018 को, उसका पूरा सॉल्यूशन एक साथ देखेंगे। 150 के 150 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये पेपर, ठीक है। लेट हो गया क्योंकि काफी लेट मिला था मुझे पेपर। पहले वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। पहला वाला भी सही है कि नागपुर सेशन के बाद प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी, और दूसरा वाला भी सही है यहाँ पे, ठीक है। पहले वाले का होगा डी, मतलब 4। देखिए यहाँ पे आपका जो भी सेट होगा ना, आप ऑप्शन से मिलाइएगा, नंबर से मत मिलाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखे मेरे पास कई सारे पेपर आए हैं, सब में ना ये ऑप्शन के नंबर भी बदले हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तो बदला ही हुआ है, ऑप्शन नंबर भी बदला हुआ है। नेक्स्ट है इसमें 16 क्वाइन जो किंग मिएंडर के टाइम पे पाए गए थे, कहां से पाए गए थे? बैरात के। सेकंड का होगा बैरात आंसर, तो आंसर पे फोकस करिएगा। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से कौन बिलोंग करता है? भारत भट्टा, भारत भट्टा, ठीक है। ये 4, भारत भट्टा 1, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। उसके बाद है आपका कि नैमे टिक्का ये किस चीज के लिए होता था? स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा ईसा जो है रिवोल्यूशनरी जो कि कन्विक्ट हुआ था महंत प्यारे लाल मर्डर केस में, वो है केशरी सिंह भरत। नेक्स्ट है इसमें सब्सिडरी अलायंस 1817-18 में किसने किया था? चार्ल्स मेटकैपे ने। एक चीज आपको ये बता दे रहा हूं, इसकी पीडीएफ यहां पे शेयर कर दी गई। ये हमारा राजस्थान पीसीएस वाला ग्रुप है, इसका टेलीग्राम में आप खोज सकते हैं इसको, राजस्थान जीके नाम, जीके ज्ञान नाम से, ठीक है। राजस्थान जीके ज्ञान नाम से है ये ग्रुप, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दी गई, और इसकी लिंक जो है बाद में जो लोग देखेंगे उनके लिए वेबसाइट पे भी अपलोड करके लिंक दे दूंगा मैं। तो 6 का होगा इसमें चार्ल्स मेटकैपे। 7th में है इसमें कि कौन से जो नहीं था ये इसमें संयुक्त राजस्थान का, वो था उदयपुर। त्याग भूमि के एडिटर हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। यहां पे सुमेलित कीजिए, मतलब मैच द फॉलोइंग करना था, करेक्ट वाला बताना था। इसका आंसर होगा डीसीबीए, ठीक है। डीसीबीए जो कामतेश्वर मंदिर है ये पाली, ठीक है। फिर इसमें चित्तौड़गढ़ फोर्ट में कौन सा जो है जैन टेम्पल है, वो है सातवीज दिवारी। नेक्स्ट है इसमें कि कौन सा चित्रकार जो है अलवर शैली की से संबंधित नहीं है, नानाकरण है ये, ठीक है, नानाकरण। फिर 12th वाला है कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, यहाँ पे ये नॉट करेक्टली पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोल भरमली वाला नॉट करेक्टेड है। फिर ये सिंग ट्रेडिशन, जो सिंगिंग ट्रेडिशन आया इसमें, ये किस चीज से रिलेटेड? गौरा देवी, ये मांड से। देखिए इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर काफी टाइम लग जाएगा और काफी देर से लोग वेट कर रहे हैं, काफी मेरे पास मैसेज आ रहे थे, मैं अभी इसको बता दे रहा हूं। इसमें जो एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन है जैसे कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के पूरा उसमें सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। अभी इसमें बता दे रहा हूं, मैंने अभी पूरा लगभग किया, तब से जब से आया तब से बैठा ही हूं मैं, ठीक है। तो जो इसमें एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन है वो मैं अलग से थोड़ा थोड़ा करके एनालिसिस करूंगा, जैसे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए अलग से पूरे 20 क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। गरसिया जो ट्राइब है वो किस डांस से रिलेटेड है? लूर से। फिर नेक्स्ट है इसमें विजयदान जो डेटा वाला आंसर था, इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट वाला है, ठीक है। माउंट एल्ब्रस, ये देखिए माउंटेन पीक और कहां लोकेटेड है ये आपको पूछा है। देखिए इसमें एलिमिनेशन लग सकता है, किलिमंजारो तंजानिया में है, इतना भी अगर पता होता तो आराम से हो जाता, ठीक है। बी का होगा 3, और किसी में दिया नहीं, तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा 4312, यानी कि क्या हो जाएगा, एल्ब्रस जो है वो रशिया में है और किलिमंजारो तंजानिया में है, माउंट कुक जो है वो है न्यूजीलैंड में, और माउंट मैकिनले जो है वो कहां पे है, यूएस में है। फिर ये इसका आंसर होगा अल्फा इंडेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल रीजन और कंट्री, ये वाली जो चीज है ये बहुत बार आती रहती है, यूपी पीसीएस में भी पूछते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैंने आज इस पेपर को इसीलिए एनालाइज करके मैं ये देख रहा था कि ये लोग कहां कहां से लाते हैं, वो सब मैंने एरिया नोट कर लिए हैं, उस पर मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो दूंगा अब, ठीक है। तो इसका आंसर होगा साउथ न्यूलैंड इंग्लैंड जो है ये यूएस का पार्ट है एक्चुअली, ये यूनाइटेड किंगडम का नहीं, वही नोट कर लिए। नेक्स्ट है इसमें कैनल और कहां कहां कनेक्ट करती है, तो 4 2 4 3 1 होगा इसका, ठीक है। तो 2 4 3 1 उसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है इसमें ईस्टर्न घाट में कौन सी पीक नहीं है, वो है सलहेर। नेक्स्ट है इसमें माशा जो है वो हिमाचल प्रदेश का नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड है, शिफ्टिंग कल्टीवेचर वाली बात है जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, जिसमें पूरा एक पैच पहले जला देते हैं कि ताकि वहां पे फर्टिलिटी बढ़ जाए थोड़ी, मतलब वो जो खाद वाद के लिए यूज कर लेते हैं, पूरा थोड़े दिन तक यूज करते हैं फिर उसको जला के दूसरी जगह चले जाते हैं। बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है ना, एनसीईआरटी में सब डिस्कस किया हुआ है। देखिए ये इसमें बस ये बताना है कि कितने नंबर के हैं, तो सबसे ज्यादा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करीबन 543 है, वैसे तो 544 यहाँ पे लिखा हुआ है,
ठीक है, एक अभी और बनी है उसको भी इंक्लूड करके, तो डी वाले का थ्री है इसमें, ठीक है। डी वाले का थ्री अगर आप पकड़ ले तो बस और कुछ जाना ही नहीं कहीं, देख रहे हैं आप, ये एलिमिनेशन वाला है, 23 का वन है। BEL जो है इसरो के साथ डेवलप करके GAAS सोलर सेल बना रही है, इसका आंसर है बी, जिले और माउंटेन ये आपको पूछा है, तो 2143 होगा, यानी कि जालौर का होगा झलोरा झरोला, ठीक है, और जयपुर का होगा बरवाडा, इसी हिसाब से है ये। कौन सा जो है ये इसमें से एक्सटेंशन है विंध्या विंध्या रेंज का, ये है मुकंदरा हिल्स, ठीक है, तो मुकंदरा हिल्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है वो किसको किसको बेनिफिट कर रहा है ये पूछा है यहाँ पे, इसका आंसर होगा 4123, ठीक है। सिद्धमुख प्रोजेक्ट जो है इसका है हनुमान एंड चुरू, और बाकी 1 2 3 आप मिला लो। नेक्स्ट है इसमें डस्ट स्टॉर्म जो आते हैं राजस्थान में मई जून के टाइम पे, वो किसकी किसकी वजह से रीजन, मेरे हिसाब से इसमें ए और सी दोनों होना चाहिए, अगर आपको कुछ और लगे तो बताइएगा कमेंट करके, मेरे हिसाब से मैं जो पढ़ रहा था काफी देर तक इसमें मेरे हिसाब से ए और सी दोनों होना चाहिए, ठीक है। देखिए राजस्थान के कितने क्वेश्चन आए ये सब मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए कहाँ से, राजस्थान GK और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन आए उनसे, करीबन 48 से 50, टोटल करंट अफेयर से 23 क्वेश्चन आए हैं और हिस्ट्री से टोटल 14 क्वेश्चन आए, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ लगातार, अभी वो सब आप देख लीजिएगा, यहाँ इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा सब जो वीडियो बनाया राजस्थान से रिलेटेड। नेक्स्ट है इसमें कौन सा जो कथन है वो सत्य है, सभी सत्य है, इसमें 29 वाले का होगा इसमें 4, ठीक है। 30 वाला का है जो राजस्थान सोल प्रोड्यूसर है, ये है देखिए सी डी वोलास्टोनाइट और सेलेनाइट और आपका लेड और जिंक ओर का, ये वैसे मैंने जो मिनरल वाला मैंने एक वीडियो बनाया था टोटल मिनरल प्रोडक्शन रिजर्व में, उसमें भी ये चीज बताई थी आपको अगर ध्यान से सुनी हो आपने। नेक्स्ट है इसमें कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन राजस्थान का सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ठीक है, वो कहाँ से हुआ, बामेर संचोर बेसिन। वैसे एक बात और है कि राजस्थान अगर आप देखेंगे तो स्टेट वाइज क्रूड ऑयल का इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर करता है, प्रोडक्शन करता है राजस्थान, अगर आप वो वाले एरिया छोड़ दें जो ऑफशोर वाले एरिया होते हैं, ठीक है, तो स्टेट वाइज राजस्थान नंबर वन पे क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी ट्रिकी था थोड़ा सा, अर्बन पॉपुलेशन पूछिए इंडिया और राजस्थान के, उसमें देखिए इंडिया की तो 31.16 है एग्जैक्टली, तो अगर आपको इंडिया की भी पता हो तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है, राजस्थान की देखिए इसमें जरूरत भी नहीं है, तो ये वाले ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़े से, मैंने बताया था ऐसे राजस्थान के कई सारे GK के आते हैं क्वेश्चन। 32 का 4 होगा, 33 का है इसमें कि कौन सी जो है इसमें से इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, वो है ABD, ठीक है, जिंक और सीमेंट और मार्बल। नेक्स्ट है इसमें 2011 के सेंसस के हिसाब से लोवेस्ट परसेंटेज ST पॉपुलेशन कहाँ है पे, बीकानेर और नागौर में, सी है इसका, यानी कि थर्ड वाला आंसर है। प्रपोज जो ऑयल रिफाइनरी है वो किसकी किसकी, HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, वो है सवाई माधोपुर लायंस से। नेक्स्ट है इसमें देखिए इलेक्शन पूछे हैं कि कौन से हुए थे 1919 के बेसिस पे, मैंने देखा है इसमें वैसे मेरे हिसाब से तो 1926 वाला ही इसका आंसर होना चाहिए, वैसे मुझे इस पे भी डाउट है क्योंकि 1926 वाले जो इलेक्शन हुए थे उसकी कोई डिटेल नहीं मिल पा रही एक्चुअली, वैसे इसका आंसर ए ही होगा फिर भी, गांधियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, श्रीमन नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो संविधान सभा बनी थी उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताने हैं कि कौन कौन से जो है वो करेक्ट है, वो है ए और डी वाला, ठीक है, बी और सी नहीं है ये, अगर आप लक्ष्मीकांत ठीक से भी नॉर्मल से भी पढ़े होते बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एज जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज की वो ये कब मतलब ये किया गया था, ठीक है, इसका आंसर होगा 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु है ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से की जाएगी, ये कहां पे किया गया था, 15th वाले से। नेक्स्ट है इसमें ये देखिए 4 केसेस दिए हुए हैं और इनको क्रोनोलॉजी में बताना है, यानी कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उसके बाद कौन आया, इसका DABC होगा, ठीक है, पहले गोपालन, फिर गोलकनाथ और फिर है आपका केशव नंदा भारती, फिर मिनर वाला वाला है। देखिए इसमें भी वैसे एक ट्रिक है, अगर आपको जैसे मिनरवा मिल जो केस है, मिनरवा मिल जो केस है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, 1980s के टाइम पे आया था, शायद मुझे याद आ रहा है 1986 के टाइम पे आया था, और ये वाला है बी वाला है 72 के टाइम पे, ठीक है, तो अगर आपको सी ये मतलब थोड़ा सा भी आइडिया होता कि 1986 के आसपास ये है, वैसे ये सब चीजें रटनी ही पड़ती हैं पॉलिटी में, इस बार बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे घुमा घुमा के कि डायरेक्ट नहीं पूछे, जो स्टूडेंट छोड़ देते हैं वही पूछा है इन लोगों ने। बताइए स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनी थी अब उसके मेंबर कौन याद रखेगा यार,
लेकिन फिर भी पूछा है, करने पड़ेंगे और आगे के ट्रेंड के लिए हम लोग समझेंगे, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए और बाकी स्टेट पीसीएस के लिए मैं इसलिए आजकल जितने भी पीसीएस हो रहे हैं सबको एनालाइज कर रहा हूं कि कैसे आजकल ट्रेंड बन रहा है। तो 42 का आंसर होगा इसमें ए बी डी, 43 वाला है इसमें करेक्ट, 241 सी पुडुचेरी वाला थ्री वाला है। नेक्स्ट है इसमें बताइए इमरजेंसी किस दिन की गई थी, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। वैसे दिन बड़ा ऐतिहासिक था और जब भी ये दिन आता है तो हर बार कुछ ना कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, रट लीजिएगा फिर और क्या। 44 का थ्री है इसका। नेक्स्ट है इसमें 45 में कि जो प्रेसिडेंट हर बार एड्रेस करते हैं स्टार्ट ऑफ द सेशन में, वो दोनों को एक साथ करते हैं, उसमें ज्वाइंट ज्वाइंट थोड़ी ना होती है, ज्वाइंट तो अलग केस हो गया, पूरा बताया हुआ है। ज्वाइंट तो तब होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई सहमति ना बन पाए बिल के लिए, दोनों अपने अपने लिए अड़े रहे हैं, ठीक है। और या फिर बहुत सारे केसेस बता चुका हूं मैं अमेंडमेंट वाले में, और ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइंट सिटिंग वाला जो है, सॉरी ज्वाइंट सिटिंग जो है वो पूरा एक वीडियो बना चुका हूं मैं, आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा। ये रूल 3377 वाले में आंसर होगा इसमें, इसमें आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 20 होना चाहिए शायद, ये डी नहीं होगा शायद, यहां पे 20 होगा। नेक्स्ट है इसमें कौन कौन सी जो है फाइनेंशियल कमिटी है, वो है ए बी सी, सी ए जी वाला पूरा वीडियो बना रखा है, नॉर्मल सी चीज है ये तो, जज ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे रिमूव किए जाते हैं वैसे ही कैग जो होता है वो किया जाता है। सीवीसी किसके कम में, मतलब किसके रिकमेंडेशन में बनाया गया था, संथनम कमिटी थी, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक से सवाल है। पीआईएल वाला कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। मतलब देखिए पेपर में मैं ये तो कह रहा हूं कि फैक्ट तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो नॉर्मल पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे उन्होंने कम से कम 65-70 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे सही। 65 भी आपने कर लिए हो तो आराम से आप मेंस की तैयारी करते रहिएगा। नेक्स्ट है इसमें कि आरटीआई वाला जो क्वेश्चन था उसमें एबीसीडी चारों करेक्ट है। फिर ये जो ऑथर और बुक वाला, इसमें आपको करेक्टली मैच करना है, 3412 होगा, ठीक है। तो अतुल कोहली का है आपका द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इसमें 368 क्लॉज 2 में ऑप्शन होगा, इसमें ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है, देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा, इतना भी मैंने पढ़ के ही सब कुछ ये किया हुआ है, आपको पीडीएफ भी दे दिया, आप पीडीएफ भी कर लीजिएगा, ठीक है। इससे मिला लीजिए और बताइएगा कितने क्वेश्चन इस की के हिसाब से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये जरूर बताना, क्योंकि कट ऑफ एनालिसिस में थोड़ा और देखिए झूठ मत बोलिएगा यार, कई लोग बोल रहे हैं 135 क्वेश्चन करके आए, 125 क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता यार। आप जब तक घर पहुंचोगे ना और आंसर आंसर की मिलाओगे तो करीबन वो अगर आप 150 वाले भी होंगे वो 110 पे आ जाएंगे, 110 120, या फिर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड हुआ तो बात अलग है। 54 में जो राजस्थान का ये मीटिंग ऑफ ग्राम सभा वाले है, इसमें अमेंडमेंट वाले में ये सब दिया हुआ है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, 1999 होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट है इसमें बी और सी आंसर होगा, ठीक है, कि कौन से जो है मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। मतलब आपको इसमें यह याद होनी चाहिए कि जो अपोजिशन नेता रहे हैं उनके पद पे कौन कौन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब घुमा के पूछे क्वेश्चन, थोड़े से वैसे जरूर मुझे भी लग रहा है पिछली बार से थोड़ा सा टफ ही है ये इस बार। राजस्थान के जो 50 क्वेश्चन थे उसमें भी काफी घुमा दिया है इन लोगों ने, बल्कि पॉलिटिकलिटी में भी बहुत घुमा दिया है। नेक्स्ट है इसमें कि अगर कंप्लेंट मिलेगी इन ऑफिसेस के तो राजस्थान मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, किसके किसके, सरपंच और पंच, इसका आंसर है सी, मतलब थर्ड। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट कमीशन राजस्थान से रिलेटेड है, ए बी डी इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन में ए बी डी सही होगा, तो ये ऑप्शन जरूर मिला लीजिएगा, कई जगह ऑप्शन भी बदले गए हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर तो बदले गए ऑप्शन भी बदले गए। नेक्स्ट है इसमें कि किस जो है जज ने राजस्थान हाई कोर्ट में तो एज ए जज काम नहीं किया, वो है जस्टिस बी एस चौहान। मतलब समझ रहे हैं कहां कहां क्या क्या पूछा है इन्होंने। इसका नेक्स्ट आंसर है कि कौन से ऐसे हैं जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर स्पीकर डिप्टी स्पीकर सब की पोस्ट जो है वो रखी है, सबकी पोस्ट सब सब बने हैं, मतलब ये तीनों जो प्रोटेम स्पीकर भी बने हैं स्पीकर भी बने डिप्टी भी, पूनम चंद बिश्नोई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है जो मोशन फॉर एडजर्नमेंट होता है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसमें ए सी डी होगा, मैंने देख लिया है आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ए सी डी ही होना चाहिए। 61 वाले में है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आपके, ये जब गवर्नर को भेजे जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा वन, ठीक है। जीएसटी से कौन सा जो है अलग नहीं रखा गया है, ठीक है, वो हैज बीन केप्ट, मतलब नहीं रखा गया है, तो ये रखा गया है इसमें, तो इसी ये है घी,
मतलब दायरे के अंदर रखा गया, सॉरी, ये जो तीनों है अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये नहीं रखे गए, तो ये आगे क्लियर रट लेना। ये तो उर्जित पटेल कमेटी वाला है, आपको याद होगा 2-1.5 साल पहले करीबन आई थी, जो उसमें पूरा बताया गया था ये, ठीक है। ये 4% होगा और प्लस माइनस 2% हो जाएगा, उर्जित पटेल की जो आरबीआई ने कमिटी बनाई थी, 63 का 1 होगा। 64 में मॉरिशियस है, ये जो इकोनॉमिक डेटा मैंने किया था 2016-17 का पूछा है एक्चुअली, तो इसमें मॉरिशियस ही होगा। 2017-18 में कौन सा, जल्दी से बताइए, 65 वाले का है इसमें आंसर। री इंजीनियरिंग क्यों करती है, ये चारों ही ऑप्शन होंगे, मतलब ऊपर के तीनों होंगे, ऑल ऑफ दीज होगा। 66 में है मोस्ट वोलेटाइल पूछा है, वो कौन सी, कॉल मनी मार्केट यानी कि याचना मुद्रा बाजार। नेक्स्ट है इसमें कि कौन सा जो है रिवेन्यू अकाउंट में नहीं किया जाता है, वो है स्मॉल सेविंग, अल्प बचतें। 11th जो 5 ईयर प्लान था वो था, उसकी एक्चुअली थीम पूछी है, ये इम्फेसाइज्ड अपॉन का यही मतलब ही है, ये थीम पूछी है, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ होगी इसकी थीम। ये जो फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये किसकी है, ये 12th वाले की है, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है इसमें 69 वाले में एक असर्शन दिया और एक रीजनिंग दिया, दोनों अलग अलग सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। 70 वाले का राजस्थान का जनरल होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होगा, 1999 और 2000 के बेसिस पे है। जीएसडीपी कितनी रही है, वो है 7.16%, ठीक है। और उसके बाद है मैक्सिमम रिवेन्यू राजस्थान बजट में कहां से आया, स्टेट का टैक्स रिवेन्यू, बजट के क्वेश्चन आया एक्चुअली, ये बजट में काफी सारी डिस्कस हुए थे, मैंने एक पीडीएफ बनाई थी उसमें से है क्वेश्चन ये सब, ठीक है। हाईएस्ट इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कहां पे है राजस्थान में, सूरतगढ़ में है। पहली स्किल इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी कहां खोली है, जयपुर में खोली है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ये किसका है, किससे रिलेटेड है, मेडिकल टूरिज्म से। कौन सा जो है वो नहीं है ऑयल फील्ड, ये पूछा है, बाकी तीन है ऐश्वर्या, मंगला, सरस्वती, गंगा नहीं है। नेक्स्ट है इसमें एनसीएलपी के अंडर में कौन सा नहीं कवर्ड है, तो स्वरूप सागर लेक नहीं कवर्ड है। 78 वाले में है जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान दे रही है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसमें कौन सा होगा, ये लेस देन 2 लाख से लेकर और या फिर एटलीस्ट 50%, यानी कि सी होगा इसमें। नेक्स्ट है इसमें मेन ऑब्जेक्टिव स्वावलंबन का है, अगर आप राजस्थान गए जाए ना तो जगह जगह पोस्टर लगे रहते हैं, ये तो अगर आप नॉर्मल भी ऑब्जर्व करते होंगे तो महिलाओं से रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन तो कम से कम सही हुआ ही होगा। 79 का 1 होगा। 80 वाले का है ऑप्शन इसमें MPOWR, ये किसका है, IFAD और रतन टाटा ट्रस्ट का। नेक्स्ट है इसमें कि कौन सा जो प्रोजेक्ट है उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लाया गया है, कंपलसरी कराया गया है, वो है नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट। इसमें कौन सा नॉन सेलुलोजिक फाइबर पूछा है, वो है नाइलॉन, बाकी सब है। टीवी रिमोट में यूज होता है इंफ्रारेड रेज, ये सब हम लोग अब कवर करेंगे पूरा, वैसे मैं पहले कवर कर चुका हूं कि कौन सी जो रेज है वो किस चीज के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है इसमें कि कौन सा मेटल जो है उसको कोट किया जाता है ब्रास में, तो वो है आपका कंटेमिनेशन को हटाने के लिए, वो है टिन। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी जो रेंज होती है नॉर्मली स्पेस वेव में होती है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर ये मुझे नहीं पता था, काफी देर ढूंढा, बुलियन एलजेब्रा वाला है ये इसका आंसर, ठीक है। 87 वाले में वाईफाई और ब्लूटूथ के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो 2.4 जो है ये यूज करता है, 2.4 GHz यूज करता है ब्लूटूथ, और वाईफाई यूज करता है 2.4 GHz से लेके, नहीं 2.4 या फिर 5, ये दोनों करता है, ठीक है, तो ये वाला करेक्ट है। इसरो के सेंटर और लोकेशन ये कहाँ कहाँ पे है, ए और बी इसका करेक्ट होगा, ये वाला सही है और ये वाला सही है। विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम में है, यू आर राव है बेंगलुरु में। इसमें से नॉट बीन डेवलप्ड बाई लिखा है DRDO, तो नॉक डरना, तो ये वाला है इसका आंसर, 89 का सी होगा। 90 वाले का होगा एयर टू एयर मिसाइल, तो अस्त्र ही है इसमें, 90 का A3 वाला है। ये मैंने एक मिसाइल का पूरी पीडीएफ बना रखी है काफी सारी, ये वाली तो बहुत पुरानी जाके न्यूज पूछ ली, 104 एक साथ किए गए थे, मतलब हर भारतीय ये वाली न्यूज तो जानता ही होगा लगभग, 104 बड़ा रिकॉर्ड रिकॉर्ड बना दिया था, बहुत चर्चा में था उस टाइम पे। नेक्स्ट है इसमें कि जो पार्टिकल होगा जिसका कि डायमेंशन लेस देन 10^-7, वो है नैनो पार्टिकल, इनमें से क्योंकि मिली माइक्रो का 10^-6 होगा, मिली का भी होगा ऐसे ही, और माइक्रो का भी इससे ज्यादा होगा, बताइए इन तीनों का कितना कितना डायमेंशन होगा। नैनो वाले का तो 10^-10 होगा ना, देखिए ये नैनो पार्टिकल का साइज ये होता है, ये है किस क्या है इसका सब क्लासिफिकेशन, कि ये ज्यादा होता है 0.001 माइक्रोमीटर से,
और ये स्मॉलर होता है 0.1 माइक्रोमीटर से, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा रेंज आगे के लिए। ये वाला क्वेश्चन जो है राजस्थान के मेंस में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे पूछते रहते हैं लोग। फिर नेक्स्ट है इसमें कि इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ये पूछा है आपसे। 41523 होगा, यानी कि ग्रेप वाला जो होगा ग्लूकोज से रिलेटेड है, और 1 वाला है फ्रूट शुगर है फ्रक्टोस, और 5 है मिल्क शुगर है लैक्टोस, और 2 है टेबल शुगर है सुक्रोज, और स्टेविया है क्या, ये नेचुरल स्वीटनर है। जो क्रोमोसोम 21 नंबर होता है डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड है, वो रिस्पॉन्सिबल है उसी के। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, मतलब ये टोटल जो अमाउंट है ग्रीन हाउस गैसेस का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ह्यूमन एक्टिविटी से होती है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। ये तो जनरली न्यूज में आता रहता है, मतलब ये तो नॉर्मल सा है। और एसिड रेन वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है ये। नाइट्रस ऑक्साइड होगा और ये सल्फर ऑक्साइड, ये दो एसिड बना लेते हैं ना ये रेन से रिएक्शन करके, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ट्री की डेफिनेशन से बम्बू को हटा दिया गया था, इसका 3 होगा। बेसिस डीएनए प्रिंटिंग फिंगरप्रिंटिंग का डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पहले वाले वीडियो में बताया भी था मैंने। नेशनल रिसर्च सेंटर ये जो है ये डूमरा में लोकेटेड है। देखिए कंपोस्ट में कौन सा जो है वो नॉट करेक्ट है, ये पूछा है। ये स्लोड डाउन नहीं होती है अर्थवर्म के द्वारा, ये बल्कि इसको कैटलिस्ट कैटलाइज करता है वो। सोलर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर में ही है, जयपुर नहीं है जो लोग कह रहे थे, वो उदयपुर में ही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग वाला है, इसमें देखिए पहला और तीसरा दिया है कि स्टेटमेंट है और एक एजम्पशन है। मेरे हिसाब से इसमें 2 वाला ही करेक्ट होना चाहिए कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या इसमें एजम्पशन इनहेरेंट है। तो मेरा तो आंसर है इसका 2। नेक्स्ट है इसमें कि एक स्टेटमेंट दिया, 2 यहाँ पे आपको आर्गूमेंट दिए हैं। तो मेरे हिसाब से पहला वाला आर्गूमेंट तो ठीक नहीं है, दूसरा वाला ही ठीक है कि जो आपका रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो मतलब पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस पे नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, नहीं जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने थे। तो इसमें 103 का 2 ओनली होगा। देखिए 104 वाला मैं बता भी चुका हूँ पहले कि ऑल ब्रांचेस ऑफ फ्लावर, तो ऑल ये मान लो ब्रांचेस हैं, ये फ्लावर हो गया, ये इसके अंदर आ गई, फिर ऑल फ्लावर्स आर लीव, तो ये फ्लावर है, इस ये हो गया लीव, ठीक है। अब देखिए इसमें मिला के देखेंगे आप तो 1 और 2 फॉलो करेगा केवल, ऑल ब्रांचेस आर लीव और सम ब्रांच लीव्स आर ब्रांचेस, बस 1 और 2, इसमें 3 होगा आंसर। नेक्स्ट है इसमें 2 कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं, इसमें केवल पहला वाला फॉलो करेगा, देख लीजिएगा एक बार आप। इसमें देखिए थोड़ा कंफ्यूजन है वैसे मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर इसका 106 का 3 होना चाहिए। देखिए जितने रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले हैं वो मैं अलग से वीडियो बना के पूरा डिटेल में समझा के बनाऊंगा, अभी सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। 107 का है 1, 108 का है 4, 109 का है 2, 110 का है यहाँ पे WRIR 1, फिर 111 का है 2, 112 का है ये 10 नंबर 10, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। 113 का है 15, 15 आंसर होगा इसका। 114 का है 7:5, ये आंसर है इसका। 115 का ₹6, ये आंसर है। ये मैं बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, मैं रात तक दूंगा इसका वीडियो एक, ठीक है। पॉपुलेशन जो है ये है कितना, 8.4 लाख, ये ऑप्शन है। और जो डिफरेंस वाला है ये 87,000 है 400, और 118 का होगा आंसर 8, 119 का होगा इसमें, ये एक पूरा चार्ट वर्ड दिया है यहाँ पे, और उसी से रिलेटेड बताना है कि विच व्हीकल हैज इंक्रीज मिनिमम इन परसेंटेज फ्रॉम 2001 टू 2011। तो यहां से इसको कंपेयर करना है, ये है बेस ईयर और इसको करना है, तो बस वही मतलब परसेंटेज इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो बस वाला आएगा इसमें, ठीक है। 120 का आंसर होगा 43.36। 121 में पाई चार्ट दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे अलग से, लेकिन बताएंगे इसको, 39% आना चाहिए यहाँ पे। 122 का जो राजस्थान का नया सॉफ्टवेयर है वो निदान है। फिर 123 का है करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, थॉमस कप में चाइना ने किसको हराया था, जापान को, ठीक है। और फाइनल में मतलब 124 का है दिव्या सूर देवरा। 125 का है ये बनाए गए थे सीवीसी के विजनल जो कमिश्नर है, ये शरद कुमार बनाए गए थे, न्यूज आई थी काफी ये भी, ठीक है। 126 वाला है बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था, तो ये वाला है इसमें, ठीक है। ये मलेशिया में होता है, इंडिया को हराया था। 127 वाला है फूड मेगा पार्क वाला, इसका ए और सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए हिस्टोरिक मीटिंग जो है ये मैंने कल ही एक करंट अफेयर का पार्ट आपने देखा होगा रात में किया था, जो जून जुलाई वाला पहला पार्ट, ये उसी से क्वेश्चन है, ये सिंगापुर में हुई थी ये, ठीक है। 128 का 3 होगा। 129 वाला भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मालाबार जो एक्सरसाइज है इंडिया जापान और यूएसए के बीच में होती है, 129 का 4 है। ये हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसमें पिंक स्टार वाला है ऑप्शन, तो इसका 1 है सही।
पिंक स्टार वाले से जो है वो सेक्स रेशियो वाला करेक्टेड है ये, ठीक है। अभी मैं काफी देर चेक कर रहा था ये सब। फिर ये कन्या वन समृद्धि योजना है, ये महाराष्ट्र की है, 131 का 3 है, 134 का है आपका मेघालय का जो है कैपिटल उसको किया गया है 100 स्मार्ट सिटी, 132 का 2 है, 133 का है आंसर जगदीश चंद्रा, 134 का है ऑप्शन यहाँ पे सोलर कितनी बनानी है 100 गीगावाट। ये तो मतलब बार बार न्यूज में आता ही रहता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा टारगेट लिया हुआ है, ठीक है। ये जो 175 गीगावाट नहीं लिया था पूरा टारगेट 2022 तक, देखिए 100 तो इसमें सोलर वाली है, बाकी 75 क्या है ये भी रट्टी होनी चाहिए, रट डालिएगा आप बताइए क्या क्या होंगी इसमें। 135 में दीपिका कुमारी वाला सॉल्ट लेक है इसमें, 136 में है इंदु मल्होत्रा का जब अपॉइंटमेंट हुआ था, ये मैंने पूरी न्यूज बताई थी, आर भानुमति हैं दूसरी समय वुमेन जज, 137 है यूसुफ सलीम के इसलिए है कि पहले विजुअली इम्पेयर्ड जज हैं पाकिस्तान के, तो मतलब अगल बगल वाली कंट्री पे भी नजर रखनी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 38 का 4 है इसमें, ए सी डी होगा इसमें, बी वाला करेक्ट नहीं है। ये जो है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेटेलाइट जिसमें रॉकेट भी था वो जाक्सा ने किया था, मतलब जापान वाली जो है स्पेस एजेंसी। कृष्णा जाखर जो है राजस्थान के, वो किससे रिलेटेड, गथा तीस्ता पर रोई। 141 का आंसर होगा इसमें सी एल सांकलेव, जो 23 रेटर चुने गए थे उसमें राजस्थानी कौन से हैं, राजस्थानी लैंग्वेज के लिए सी एल सांकलेव। 142 का होगा इसमें डायनेस्टी और कैपिटल, तो 4231 है इसका आंसर, ठीक है। शुंगा की है पाटलिपुत्र। फिर 144 का है इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, 124 इसका होगा, 3 आंसर है इसका। श्रेणी से रिलेटेड कौन सा नहीं सही है ये पूछा है, देखिए नॉर्थ इंडिया में नहीं, ये तो साउथ इंडिया में भी था, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए इसमें। दीवाने अर्ज जो है वो बलबन ने स्टार्ट किया था। अब देखिए ये दीवाने इवाने जितने भी हैं ना, कि ये किस, पहली बात तो इसमें क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन से डिपार्टमेंट से लोकेटेड और किसने किया था, इसकी मैं पूरी कंप्लीट लिस्ट आज मैं सब ये नोट कर रहा हूँ बैठ के। मेन सीट जो है वर्कारी सीट की वो है पंडरपुर में। वर्कारी जो है क्या होता है, ये भक्ति का ही एक तरह से आप समझ सकते हैं, ये पूरा संप्रदाय है ये, और ज्यादा ये फेमस कहाँ पे है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में फेमस है। हर साल एक ये लोग जाते हैं यहीं पे पंधारपुर में, ठीक है, और पूजा वूजा करते हैं। और ये एक सेक्ट किसका है, ये ब्रांच कह सकते हैं वैष्णविज्म की, जो वर्कारी सेक्ट है। फिर ये आपका है 147 में क्रोनोलॉजिकल, देखिए सबकी डेट लिखी हुई है। लखनऊ पैक्ट हुआ था 31 दिसंबर 1916 और स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुआ था 9 जनवरी 1923। जलिया वाला बाग जो कांड हुआ था 1919 में 13 अप्रैल, और बाल गंगाधर तिलक जी की जो डेथ हुई थी 1 अगस्त को हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, 1342। फिर देखिए इसमें बाकी सब तो करेक्टली मैच है, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी एक इनकरेक्ट है, सेवा समिति एच एन कुंजरू है, सोशल सर्विस लीग है एन एम जोशी, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। हार्डिंग के बॉम्ब से ये भगवती चरण वोरा नहीं रिलेटेड थे, 150 वाले का होगा तेज बहादुर शप्रू। इसी के साथ ही खत्म होता है, देखिए जो भी क्वेश्चन वाले एक्सप्लेनेशन वाले हैं जैसे रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले, ठीक है, वो वाले मैं अलग से दे दूंगा, कोई और अगर आपको क्वेश्चन समझना है कि वो अलग से मैं दे दूं तो बता दीजिएगा मुझे। एक बात आप ये बताइए कि इन 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये एग्जैक्टली बताइए। फिर कट ऑफ तो मेरे हिसाब से अगर आपके 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ओवरऑल, तो बिल्कुल मेंस की तैयारी करनी चाहिए। एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है, सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं बस।